तो ऋत्विक सिस्टम जो है वो ऋत्विकवाद हो गया है आजकल। बोलते जी प्रभुपाद जी ने कहा मेरे आगे कोई शिष्य नहीं बनेगा, ऋत्विक कहता है ना कि मेरे आगे कोई शिष्य नहीं बनेगा। हाँ देखो, ऐसे लोगों को जो बहस करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने भैंस का दूध पिया है, तो उनको ये वाला पढ़ाना चाहिए। मैं तो सब नोट करके रखता हूँ चीज़ें, है ना। ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पर देखो एक लेक्चर दिया है, इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वी गॉट दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट भगवद गीता फ्रॉम डिवाइन हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। दैट नॉलेज इज स्टिल गोइंग ऑन, यू आर रिसीविंग थ्रू हिज सर्वेंट, लेकिन तुम उसे उनके दास मतलब प्रभुपाद जी के द्वारा स्वीकार कर रहे हो। एंड इन द फ्यूचर सेम नॉलेज विल गो टू योर स्टूडेंट्स, आगे जाकर ये ज्ञान तुम्हारे स्टूडेंट्स तक जाएगा। दिस इज कॉल्ड परंपरा सिस्टम, इसको परंपरा कहते हैं। एवं परंपरा प्राप्त है राज ऋषि विदो सकाल नेहा योगा नश्व परंपरा, भगवद गीता 4th chapter verse number 2 प्रभुपाद ने कोट किया। इट इज नॉट दैट यू हैव बिकम अ स्टूडेंट एंड यू विल रिमेन अ स्टूडेंट, ये नहीं है कि तुम एक बार शिष्य बन गए तुम्हें शिष्य ही रहना है। नो, वन डे यू शैल बिकम गुरु एंड मेक मोर स्टूडेंट्स एंड मैनी मैनी मोर। क्यों बोला प्रभुपाद ने, क्यों परंपरा का नाम लिया? अगर उन्होंने ये बोला था मेरे बाद कोई गुरु नहीं हो सकता, तो फिर ये लेक्चर कहाँ से आया प्रभुपाद जी का? क्योंकि जो लोग पढ़ते नहीं हैं उनको बड़ा सरल है गुमराह कर। तो आप उससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? हाँ, मैं बता रहा हूँ उसका उत्तर क्या है। एक तो ये आपका पास लेक्चर है, यू बिकम माई स्टूडेंट एंड यू नेवर बिकम ओनली अ स्टूडेंट, यू हैव टू बिकम गुरु एंड यू शुड मेक मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, पहला ये। दूसरा, प्रभुपाद जी जब बीमार थे तो प्रभुपाद जी ने अपना एक ऋत्विक सिस्टम स्टार्ट किया कि ऑन माई बिहाफ, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं कि मैं जाने लेक्चर देने नहीं जा पा रहा हूँ, तो रजत प्रभु आप चले जाना क्लास देने के लिए, है ना, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा, आप थोड़ा DYP संभाल लेना, ऐसे होता है ना, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी थी, प्रभुपाद जी वृंदावन बॉम्बे में थे, प्रभुपाद जी ने अपने इस्कॉन के डिवोटीज से कहा जो सीनियर थे उस समय GBC थे, कि आप लोग मेरे बिहाफ पर दीक्षा का समारोह करो, मैं जप बीड्स जप करके आपको भेज दूंगा और नाम भी दीक्षित दे दूंगा, आप अपने अपने एरिया के लोगों को यज्ञ करके वो बीड्स दे देना मेरे बिहाफ पर। ये कब कहा था? जब प्रभुपाद जीवित थे तब उन्होंने ये लेटर लिखा। अब उस लेटर को उन्होंने प्रमाण बना करके सोसाइटी बना दी। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? ये है ऋत्विक सिस्टम, क्योंकि आचार्य का प्रमाणित सिस्टम है, पहले भी होता था। भक्ति विनोद ठाकुर नहीं जा पा रहे थे तो भक्ति सिद्धांत को कहते थे आप चले जाइए लेक्चर देने के लिए मेरे बिहाफ पे। ऐसा मेरे साथ भी होता, कई बार मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि स्वयंभू मोहन प्रभु आप चले जाना क्लास दे देना, या फिर हमारे सीनियर्स कहते थे हमको या कहते हैं कि आप चले जाना उधर लेक्चर देने के लिए। इसे कहते हैं ऋत्विक सिस्टम जो कि प्रमाणित है। अब ऋत्विकवाद क्या होता है? जब किसी के एक इंस्ट्रक्शन को उसके चले जाने के बाद उसकी फोटोकॉपी पकड़ के उस इंस्ट्रक्शन को लाइफ टाइम का बना लेना। भाई पावर ऑफ अटॉर्नी क्या परमानेंट है? लाइफ टाइम के लिए कुछ काल के लिए दी जाती है ना, कि आप इस समय तक ये काम कर सकते हैं। डॉक्टर भी चला जाता है, कहता है मैंने अपने अटेंडेंट को सारा समझा दिया है। ये थोड़ी डॉक्टर मर गया निकल लिया संसार में नहीं, अटेंडेंट कह रहा है मैं ही करता रहूँगा अब सारा कुछ, डॉक्टर के बिहाफ पे होगा अब, कोई और दूसरा डॉक्टर आएगा नहीं, ऐसा हो सकता? तो उन्होंने उस प्रकार से क्या किया, ऋत्विक सिस्टम को ऋत्विकवाद में परिवर्तित कर दिया कि प्रभुपाद जी ने कहा मेरे आगे कोई और शिष्य नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद जी क्यों बोलते एवं प्राप्तिम परंपरा प्राप्तिम? फिर तो भक्ति सिद्धांत भी समझदार थे, वो बोलते मेरे आगे प्रभुपाद शिष्य नहीं बन सकते, मैं ही हूँ अंतिम गुरु। या फिर वो क्यों बोलते प्रभुपाद जी के ऊपर जो है ना भक्ति विनोद ठाकुर कहते मैं ही हूँ अंतिम गुरु? सो ये तो ऋत्विकवाद है ना, ऋत्विकवाद है, ये मायावाद का सिद्धांत है। हमेशा जब भी दीक्षा हो वो लिविंग गुरु होना चाहिए, यानी जीवित गुरु होना चाहिए जो आपको दीक्षा समारोह में दीक्षा दे। ऐसा नहीं होता है कि आप मूर्ति को टच करके बोले जी आज से आप प्रभुपाद जी के शिष्य। एक मिला था मुझे 25 साल का लड़का वृंदावन में, मैंने कहा, कहता है प्रभु आई वॉच योर वीडियोज, मैं कहा थैंक यू हरे कृष्णा, मैं कहा यू आर डिसाइपल ऑफ, अब मुझे लगा कोई ना कोई आचार्य, कह रहा प्रभुपाद। प्रभुपाद का 25 साल का शिष्य कहाँ से आ गया? तो फिर मैंने कहा यू आर, बोला आई एम ऋत्विक, मैंने कहा वो मैं समझ गया था कोई बात नहीं, हरे कृष्णा। सो इस तरह से ये लोग करते हैं कि सबको प्रभुपाद जी का शिष्य बना रहे हैं, पर दिस इज़ अ रॉन्ग सिस्टम। अगर मूर्ति को ही टच करके मुझे दीक्षा लेनी है तो मैं सीधा चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बनूंगा, रूप गोस्वामी और गुरु भाई बताऊंगा अपने, मैं भी प्रभुपाद की मूर्ति को क्यों टच करूँ?
और फिर मैं रूप गोस्वामी तक ही क्यों जाऊँ, मैं श्री कृष्ण की मूर्ति से माला जब लगा के तुलसी ऑफर करके ले लूँगा और मैं कहूँगा ब्रह्मा जी मेरे गुरु भाई हैं, मैं तो कृष्ण वंदे कृष्णम जगत गुरु, ये तो श्लोक भी है, कृष्ण जगत गुरु है। गुरु की आवश्यकता है जो लिविंग हो, जो आपको गाइड कर सके, जो आपके इंस्ट्रक्शंस दे सके, उसको गुरु कहते हैं। ऐसे नहीं होता है गुरु ने फोटो में गुरु बना लिया, बोले हम आपको गुरु मानते हैं, ऐसे माना नहीं जाता है, होता है फिर वो इंस्ट्रक्शन देता है। हाँ वो तो आपने बताया था, सो जो भी है वी आर नॉट टेकिंग एनीबडीज नेम। सो ये चीज़ समझने वाले कि ऋत्विक सिस्टम है कि ऋत्विक, इसको क्या कहा प्रभुपाद जी ने, सत्य को सही रूप से प्रस्तुत करना, ये ट्रुथ है। लोग बोलते हैं ना अरे आपने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया सत्य बोल, अरे सत्य वही है, कड़क होता है